हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ। आज मेरे होम क्वारंटीन डे का 4 डे है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ एवरी डे मैं वीडियो बनाऊँ, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। कल भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, इनफैक्ट आज सुबह से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। इसलिए भी दोपहर के 1 बजे मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा आराम हुआ है तो मैं बनाने जा रही हूँ। कुछ ना कुछ तकलीफ़ एक्चुअली लगा रह रहा है। आज मैं आपको डे वन याद होगा, मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी, है ना, तो मैं उसी में से एक चीज़ के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ, और वो है पल्स ऑक्सीमीटर। मैं आज पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में बताने जा रही हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है हमें और क्यों हमारे पास होना चाहिए। ये एक्चुअली ये सभी के पास होना चाहिए, सभी के घरों में होना चाहिए। ये इसकी अहमियत अब मुझे पता चली है, और ऐसा नहीं है कि कोविड है इसलिए ज़रूरी है ये। ये पल्स ऑक्सीमीटर क्या करता है? पल्स ऑक्सीमीटर, सबसे पहला सवाल ये है कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या करता है। पल्स ऑक्सीमीटर जो करता है ना, ये हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो हमें बताता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल क्या है। तो ये हमें जागरूक करता है कि हमें किस टाइम पर डॉक्टर की सबसे ज़्यादा या ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये कोविड पेशेंट के लिए तो ज़रूरी है ही है, जैसे बाकी दूसरे पेशेंट्स के लिए भी, जैसे जिन लोगों के हार्ट की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा होता है, और जिन लोगों भी सांस फूलने वगैरह, मतलब जो भी इस तरह की डिजीज़ जिन लोगों को होती है ना, उन लोगों के लिए पल्स ऑक्सीमीटर अपना पर्सनली ज़रूर रखना चाहिए। और टाइम टू टाइम, दिन में एटलीस्ट 3 से 4 बार ज़रूर अपने बॉडी का ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना चाहिए कि हम उन्हें किस समय डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत है। कोविड पेशेंट्स के लिए ये क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? कोविड पेशेंट्स के लिए ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जब कोरोना वायरस हमारे शरीर में आता है ना, तो वो हमारे लंग्स को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। लंग्स को जब सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है ना, हमारे शरीर धीरे धीरे साँस छोड़ने लगता है, और उसके बाद डेथ होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। मोस्ट ऑफ़ द डेथ जो हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने देखा न्यूज़ में और डॉक्टर्स से जो पता चल रहा है, या जो मैंने रिसर्च किया है इस बारे में मैं बता रही हूँ। मोस्ट ऑफ़ द डेथ जो हो रहा है वो ऑक्सीजन की कमी के वजह से ही हो रहा है। तो ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर में नहीं होने देना चाहिए, और उससे हमें कमी ना हो उसके लिए ये पल्स ऑक्सीमीटर हमें जागरूक करेगा। ये ठीक है, इस ये जो काम कैसे करता है, ये काम इस तरह से करता है कि ये जो है यहाँ पर ना, यहाँ पर जब हम लोग उंगली रखते हैं तो यहाँ पे एक लाइट होती है, और जब हम लोग इस तरह से उंगली को रखते हैं ना, तो वो जो, इसे बोलते हैं फिंगर बेड, जो डॉक्टर ने बताया इसे बोलते हैं फिंगर बेड, इससे ये टच होकर इसके नीचे जो हमारे शरीर में रेड प्लस ब्लड सेल्स होते हैं ना, डार्क रेड ब्लड सेल्स, उससे कांटेक्ट करके इसका रे, एक्चुअली इसका रे जो होता है, मैं बहुत मेडिकल लैंग्वेज में नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, तो इसका रे उससे जो कांटेक्ट करता है, तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का लेवल कितना है ये बता देता है। क्या ये एक्यूरेट बताता है? नहीं, एकदम एक्यूरेट तो ये नहीं बताता है। इससे मतलब क्या है ना कि 1 या 2% ही आप नीचे ले सकते हैं। जैसे मैं जब भी चेक करी ना, मुझे 98-99 आ रहा है, तो उससे मैं 2 या 3% भी नीचे कर दूँ तो मेरा 96-97 या 95-4 तक है, तो वो ठीक है। 90 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 90 से नीचे जाता है ऑक्सीजन लेवल, तो इसका मतलब है कि मुझे इमिजिएटली डॉक्टर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और या ICU एडमिशन की ज़रूरत है। इमिजिएटली मेरा लंग्स अब काम करना बंद कर रहा है, इसलिए मुझे इमिजिएटली हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए कोविड पेशेंट्स को और बाकी दूसरे जो लोग होते हैं, जिन लोगों को मैंने बताया, उन लोगों को अपना पर्सनल ये ज़रूर ले लेना चाहिए, और टाइम टू टाइम 2 घंटे 3 घंटे कोविड पेशेंट को स्पेशली अभी 2 घंटे 3 घंटे पर चेक करते रहना चाहिए कि उनकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल क्या है, जिससे कि वो टाइम पर ट्रीटमेंट ले सके। क्या ऑक्सीमीटर कोविड टेस्ट करता है? नहीं, ऑक्सीमीटर कोई भी टेस्ट नहीं करता है। ऑक्सीमीटर सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को ही बताता है।
ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। मैं एक्चुअली इसे यूज़ करती हूँ। ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आया था, ठीक है, इस तरह की ये पैकेजिंग में आया था और डे बाई डे मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और डॉक्टर को मैं इन्फॉर्म करती रहती हूँ, मेरे हस्बैंड एक्चुअली, कि किस टाइम पे क्या है ऑक्सीजन लेवल, तो वो बताते रहते हैं कि ठीक है अभी, ठीक है अभी, ठीक है, तो वो श्योर मतलब कंफर्म करते रहते हैं। तो आप भी जब कोविड पॉजिटिव हो जाए या ऐसा कुछ है तो ये ले लें और अपने पास रखें और अपनी सुरक्षा खुद ही करें। कोरोना में क्या होता है ना, लंग्स ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है ना। चलिए इसे यूज़ करूँ, ये इस तरह का है, ठीक है। जब इसे यूज़ करना है ना, मैं सबसे पहले बताती हूँ इसे यूज़ कैसे करना है। इसे यूज़ करने पहले अच्छे से अपने हाथ को धो ले, हाथ में कोई भी मॉइस्चर क्रीम वगैरह नहीं होना चाहिए एंड उंगलियों में नेल पेंट भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने हैंड वॉश किया हुआ है, कोई भी मॉइस्चर क्रीम वगैरह नहीं है और अब मैं इसे यूज़ करके दिखाती हूँ। बस इसे इस तरह से ऐसे ओपन करना है, ऐसे उंगली को मैंने रखा, ये देखिए बहुत सिंपल ऐसे रखा और ऐसे रखा। उसके बाद ये बटन दिया हुआ है, इसे प्रेस करने में और ये रीडिंग लेना शुरू करें। मोस्टली 30 से 60 सेकेंड में ये रीडिंग ले लेता है। ये देखिए इसने रीडिंग लिया, दिख रहा आप लोगों को, मेरा रीडिंग अभी है 99 ऑक्सीजन है एंड जी मेरा पल्स जो है ना, वो पल्स मेरा 110 है। तो पल्स नॉर्मली भी थोड़ा हाई ही रहता है मेरा। और उसके बाद उंगली निकाल लेंगे और ये खुद ब खुद ऑफ हो जाता है, ठीक है। इसे यूज़ करने के बाद ना मैं इसकी बैटरी यहाँ से निकाल देती हूँ, नहीं तो ये लीक होने के, इसके लीक होने के चांसेस होते हैं और बैटरी लीक होकर फिर ये ख़राब हो जाएगा। इसे ज़मीन पर गिरने नहीं देना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। संभाल कर रखना है इसे ताकि ये आपका यूज़ आता रहे, ठीक। और उसके बाद इसे अच्छे से यूज़ करें, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहे। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे जितनी जानकारी मिली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ मैं डे बाई डे। तो अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए और लोगों को जानकारी मिल सके और किसी भी तरह का भ्रम हो तो वो हट सके। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं यही वीडियो क्लोज़ करती हूँ कि मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब मैं बैठ नहीं पाऊँगी, इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा हिल डुल रही हूँ। मेडिसिन लेने के बाद भी उतना आराम नहीं होता है। तो फ़िलहाल छोटे छोटे वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों के साथ बनी रहूँगी। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो घर बैठे हो गया है, पता नहीं कैसे हुआ, पर अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।